नमस्कार, न्यूज फोर नेशन देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ साक्षी। फेस्टिवल सीजन चल रहा है, ऐसे में नीतीश सरकार ने बिहार के सरकारी कर्मचारियों को जो है बड़ा तोहफा दिया है। आपको बता दें कि बिहार सरकार ने ऐलान किया है कि उन्हें समय से पहले ही वेतनमान दे दिया जाएगा और वेतन के लिए जो अब सरकारी कर्मचारी है उन्हें महीने के अंत तक इंतजार नहीं करना पड़ेगा। क्या है पूरी खबर, आइए आपको बताएंगे इस वीडियो में। बिहार के सरकारी कर्मचारियों को नवंबर महीने के वेतन के लिए महीने के अंत का इंतजार अब नहीं करना पड़ेगा। लोक आस्था के महापर्व छठ को ध्यान में रखते हुए राज्य सरकार ने इस बार भी उन्हें 14 दिन पहले ही वेतन देने की घोषणा कर दी है। पिछले महीने भी दुर्गा पूजा और दशहरा को देखते हुए कर्मचारियों और अधिकारियों को समय से पहले वेतन मिला था। आपको बता दें, वित्त विभाग ने नवंबर महीने के वेतन का भुगतान 16 नवंबर 2023 से ही शुरू करने का निर्णय लिया है। विभागों के अपर मुख्य सचिव या प्रधान सचिव या सचिव, विभागाध्यक्ष, प्रमंडलीय आयुक्त, जिलाधिकारी और कोषागार अधिकारियों को निर्देश जारी कर दिया है। गौरतलब है कि अक्टूबर महीने में भी दुर्गा पूजा को देखते हुए सरकारी कर्मियों को 15 दिन पहले वेतन दे दिया गया था और इस बार भी छठ महापर्व के मद्देनजर ये फैसला लिया गया है। राज्य में सभी वर्ग के सरकारी कर्मियों की संख्या करीब 9.5 लाख है। बता दें कि सरकार के इस फैसले से इन कर्मियों को सीधा लाभ होगा। नीतीश सरकार अक्सर पर्व त्योहारों पर कर्मचारियों को समय से पहले वेतन देती है ताकि सरकारी कर्मचारियों को किसी तरह की दिक्कत का सामना नहीं करना पड़े और वे अपने परिवार के साथ खुशियों से त्योहार मना सके। नीतीश कुमार ने पर्व त्योहार को देखते हुए ये बड़ा फैसला लिया है और बिहार के जितने भी सरकारी कर्मचारी हैं उन्हें 14 दिन पहले ही जो है वेतन मिल जाएगा और जिसकी वजह से वो अपने त्योहार जो है काफी खुशी से मना सकते हैं। आपकी इस वीडियो पे क्या राय है हमारे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और ऐसे ही तमाम खबरों से अपडेट रहने के लिए देखते रहें न्यूज़ फॉर नेशन।